बरसोई नगर पंचायत स्थित भाग बरसोई में बरसोई गोलीकांड मामले को लेकर जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता तनवीर सम्मी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव रहे। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग शांतिपूर्वक बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की साजिश के तहत मासूम लोगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें दो लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। एक की स्थिति अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। हम तो इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए वह कम है। इस मंच के माध्यम से सोनू शाह एवं मोहम्मद खुर्शीद अली को पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को डराने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन कान खोलकर सुन ले, पीड़ित परिवार एवं जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की न्याय की जांच हो ताकि दोषी पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि जनप्रतिनिधि एवं मासूम लोगों पर झूठा मुकदमा पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं उसे तुरंत वापस ले ले, नहीं तो आने वाला दिन जनता सबक सिखा देगी। उन्होंने कहा कि बरसोई गोलीकांड के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वहीं सोनू शाह के पिता एवं नियाज अली के माता पिता एवं पत्नी एवं बच्चे पप्पू यादव से मिलकर रोते बिलखते इंसाफ मांगने लगा। अस्वस्थ कराते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मरते दम तक आपके साथ खड़े हैं, इंसाफ दिला कर रहूँगा। जो भी दोषी पदाधिकारी हैं इस घटना में उस पर कार्रवाई करके रहेंगे। वहीं चौक चौराहे एवं मुख्य सड़क पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं इस अवसर पर तनवीर शमसी, फखरुद्दीन अली, आजाद खान आदि हजारों की संख्या में लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। पप्पू को जानते हैं, जब तूफान के पानी में मैं खड़े होकर दम करा सकता हूँ, जब कोरोना में पूरी दुनिया मुंह पर पट्टी थी और हम बांट रहे थे, हाथ में ग्लोव्स नहीं था, कोरोना को दुनिया को डरा दिया, हम कोरोना को डराए। जिस पप्पू को कोरोना से खौफ नहीं हो तीनों में, जो हर लाश को उठा के जलाए, वह पप्पू लाश बन करके भी आजादी दिलाए। एक आखिरी सवाल, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सर मैं तो भाई से आग्रह करूँ, जो लंबे समय से चुनाव जीतते रहे उनके रोल अभिनय के बारे में इस गोलीकांड पर। मैं तो जो सांसद यहाँ चुना हुआ हूँ वो भी मेरे भाई हैं, जो चुनाव और लोग लड़ेंगे वो भी मेरे परिवार हैं, जो दोनों नेता हैं कांग्रेस और नाले के उनके गठबंधन से सरकार चल रही है। या तो आप, जब आप अपने क्षेत्र की जनता का सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए नहीं जी सकते और उस पर गोली चले और आप एसडीओ डीएसपी को भी आप नहीं हटा सकते, तो फिर आप चुनाव लड़ते क्यों? जनता के बीच जाने का मुंह कैसे? 1500 पर केस, 46 जनप्रतिनिधि पर केस, मर्द है ये शमसी, गोली खाने के लिए निकल गया जिला पार्षद और हमारे नेता, जिस पर केस है उसने कहा जनता जब तक है तब तक मैं घर के क्या करूंगा और निकल पड़ा। इसलिए हमारे एक एक वर्कर शहीद होने को तैयार है और जो यहां दोनों नेता हमसे आग्रह करेंगे कि आपको पैर पकड़ना पड़े मिन्नत, ये निरंकुश हो चुकी है। अब यहां गोली चलाने के बाद यदि ये यहां है, इसका मतलब है आतंक का रूप ले चुका है जो सुबह से हुआ। सर हम छोड़ेंगे नहीं, आप हथवा सखिए, मरना पसंद करेंगे, जिसको मैं भगवान मानता हूं उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे।